हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो कस्टम कार्स। एंड आज हमारे पास आई हुई है BMW X5 2014 मॉडल। एंड आज हम उसमें कुछ अपग्रेडेशंस करने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें अपना एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंस्टॉल करेंगे, स्टेयरिंग आपका न्यू मॉडल का एम स्पोर्ट स्टाइल स्टेयरिंग डालेंगे। फोर्थ आइटम हम इसमें डालने वाले हैं AC क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि फुली टच रहने वाला है, और हम इसके अंदर अपनी स्पेशलिस्ट कार्डी K4 एम्बियंस लाइट भी इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस, हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहने वाला है AC क्लाइमेट कंट्रोल टच वाला। इसके प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल AC डिस्प्ले लिखा हुआ है, और मैं अब इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। और ये हमारा रहने वाला है आपका AC डिस्प्ले पैनल, फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बाकी अभी आप इसको लगते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा प्रोडक्ट है। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट रहने वाला है, जो कि हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। इसके साथ कुछ इंस्टॉलेशन वायर्स आई हैं, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट रहने वाला है। क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, इसका रियर दिखा देता हूँ मैं आपको। सारा प्लग इन प्ले सिस्टम रहने वाला है, कोई भी वायर डिस्टॉर्ट या कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आपकी कंपनी की वायरिंग को हमें छेड़ना पड़े, सब प्लग इन प्ले। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट रहने वाला है, जो कि हमारा BMW N स्पोर्ट स्टाइल स्टेयरिंग होगा, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला स्टेयरिंग है आपका। ये हमारा स्टेयरिंग रहने वाला है, जिसमें आपको एम स्पोर्ट की बैजिंग मिलने वाली है, और इसमें आपको एम स्पोर्ट स्टाइल रेड एंड ब्लू कलर की स्टिचिंग्स मिलने वाली हैं। एंड आपको इसके साथ आपको एयरबैग भी मिलेगा, एंड इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी हैंगे। पैडल शिफ्टर्स अगर आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड हैं तो ये भी आपके साथ वर्किंग रहेंगे। बाकी आपके डिस्प्ले कंट्रोल्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स ऑल ओके हैं। सो गाइज, अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो चुकी है कम्प्लीट। गाड़ी का ओवरऑल व्यू दिखाएंगे आपको, और आइटम वाइज आइटम आपको वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या आइटम है और क्या क्या इंस्टॉलेशन हुई है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। फर्स्टली हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है अपने स्टेयरिंग और मीटर पे। तो आपका एम स्पोर्ट स्टाइल स्टेयरिंग इंस्टॉल हो चुका है। ये इसके पैडल शिफ्टर्स है, अगर आपकी गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स है तो ये भी सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी गाड़ी में कंपनी से फिटेड नहीं आए हैं तो ये सिर्फ एक एज अ डमी रहेंगे आपकी गाड़ी के अंदर भी, और सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग है। ये इसके वॉल्यूम साइंस हैं, ये माइनस का है, ये वॉल्यूम डाउन करने का है, मोड्स वगैरह हैं, ये इसका जॉयस्टिक है, एंड यहाँ पे इसके क्रूज के कंट्रोल है जो कि प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, और ये इसका हॉर्न पैड हैगा जिसमें आपका एयरबैग आता है, और काफ़ी अच्छा स्टडी लुक वाला स्टेयरिंग है। और इसके पीछे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपका प्रॉपरली वर्किंग करने वाला है। इसको आप यहाँ से वर्किंग चेक कर सकते हैं, और इसके मोड्स भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये इसका सिंपल वाला मोड ऑन हो गया है, आप चेक करिए। ये मैं आपका इसका दूसरा मोड ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा मोड आ गया है। अब मैं आपको इसका थर्ड मोड ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका थर्ड मोड है, और ये इसका स्पोर्ट मोड है। ये इसका स्मूथ मोड रहने वाला है। आपके एक्सलरेशन प्रॉपरली वर्किंग रहने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें रेव कैसे हो रहा है। पार्किंग पे गाड़ी खड़ी है तो पार्किंग शो कर रहा है इसके अंदर। बाकी आप अब हम थोड़ा वीडियो में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर 10.25 इंचेस का 4+64 GB रैम और रोम रहने वाला है इस एंड्रॉयड सिस्टम का, जो कि आपका वायरलेस एप्पल कारप्ले चलेगा इसके अंदर, एंड्रॉयड ऑटो चलेगा,
और इसमें आप YouTube, Bluetooth यानी कि जो भी आप अपने Android फोन के अंदर यूज करते हैं एप्लीकेशन वो सब रहने वाली हैं। और जो कि हमने ये इसमें इंस्टॉल करा है, इसमें आप इसका कंपनी वाला मोड भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कंपनी से आता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये माई कार में जाएंगे तो आप इसका जैसे कंपनी का सेटअप आता है, इंटरफेस आता है सेम एज इट इज़, आपका वैसे यूज़ कर सकते हैं आप इसको। जो इसका डायल है वो प्रॉपरली वर्किंग है, बैक का बटन प्रॉपरली वर्किंग है, ऑप्शंस के बटन इसके अंदर प्रॉपरली वर्किंग है, यानी कि जितना भी यहाँ पे आपका सिस्टम से रिलेटेड जो भी बटन्स हैं वो सारे वर्किंग है प्रॉपरली। ये हम दोबारा एंड्रॉयड यूआई पे आ गए हैं, इसमें आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ऐप्स यूज़ करनी है इसमें। आप अपना नेटफ्लिक्स चलाइए, अमेजोन प्राइम चलाइए, जो भी आपको OTT सर्विसेज आपको यूज़ करनी है वो सब हो जाएगा इसके अंदर। और अब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये है हमारा AC क्लाइमेट कंट्रोल, आपको लिक्विड डिस्प्ले पैनल रहने वाला है ये। ये इसमें आपको सारे कूलिंग हीटर फंक्शंस सब इसमें काम करता है। आप इसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको टच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये टच भी काम कर रहा है इसका, देखिए इसको ऑफ करना चाहें फ़ैन ऑफ हो जाएगा, ये फ़ैन ऑफ हो चुका है अब यहाँ पे। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसको चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हमारा नेक्स्ट आइटम रहने वाला है अपना कार्डी का K4 प्रीमियम ब्रांड एम्बियंस लाइट, जो कि आपकी सबसे बेस्ट इन क्लास और बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट है जो भी मार्केट में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एम्बियंस है ये। और जो हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल करा है, हमने 10 पीस का सेट इंस्टॉल करा है, जिसमें कि आपकी चार डोर ट्रिम्स के स्ट्रिप्स आती हैं, दो डैशबोर्ड के स्ट्रिप्स आती हैं और एंड चार फुटलाइट्स आती हैं इसके अंदर, जो कि सेट ऑफ 10 होता है टोटल। और गाड़ी आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी एम्बियंस आ रही है गाड़ी में एम्बियंस लगने के बाद। सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। और आपको कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।